Assalamu alaikum, student. I am your teacher from AMI Foundation School. Welcome to Back to School. Homework assignment number 3 for class KG2. आज हम लोग आपकी उर्दू की किताब चमेली का सफ़ा नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 एंड 28 पढ़ेंगे। ये आप लोगों की KG2 की उर्दू की किताब है चमेली ऑक्सफोर्ड। इसके बाद अब हम पेज नंबर आपसे डिस्कस करते हैं। सफ़ा नंबर जो 19 है उसमें आपने पहले पढ़ना है कि उसको मिलाना है। पहला है आपका ये ज़ारा है, ज़ारा से आपने ज़ारा से पहले से ही मिलाया हुआ है। अब आपने करना है वो अली है। अब वो अली है को हमने इससे मैच करना है, ठीक है बेटा। फिर है वो गेंद है, अब गेंद से इसको मिलाइए। ये गुड़िया है, अब आपने ये गुड़िया है को मैच करना है। ये गुड़िया ज़ारा की है, अब कहाँ है ये गुड़िया ज़ारा की है तो इसको इससे मैच करेंगे। वो गेंद अली की है, देख रहे हैं आप लोग पिक्चर में कि तस्वीर में अली आपको गेंद से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये है वो गेंद अली की है। अब लास्ट वाला है वो किताब अब्बू की है, तो आपने बुक नज़र आ रही है ना आपको, ये किताब अली की है, ये किताब अब्बू की है। अब अली की गेंद लाल है तो अली की गेंद लाल है। अब ये है पेज नंबर 20। अब पेज नंबर 20 में बेटा आप लोगों को एक जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। इनमें से एक तस्वीर ऐसी है जो इन लोगों के साथ नहीं मिल रही, वो मैच नहीं कर रही है। तो उस जो तस्वीर एक जैसी है उसमें आपने कलर करने हैं, और जैसे अब ये कप बने हुए हैं इनमें आपने कलर करना है, और एक जो चमचा बना हुआ है इसको आपने क्रॉस लगाना है यानी कि गलत का निशान लगाना है। इसी तरह नीचे वाली तस्वीर में एक में तीन नुक्ते हैं, फिर तीन नुक्ते हैं, फिर तीन नुक्ते हैं, फिर तीन नुक्ते हैं, और एक में एक नुक्ता है, तो इनमें आप कलर्स करेंगे और जो एक नुक्ता है उस पर आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसी तरह ताला, ये भी ताला है, ये भी ताला है, ये भी ताला है, मगर एक चाबी है तो आपने चाबी पे गलत का निशान लगाना है यानी कि क्रॉस का निशान लगाना है। अब पेज नंबर 21, उसमें आपने नीला, कौन सा रंग है नीला, इससे पहले वाले होमवर्क में आपको कौन सा रंग मिला था लाल, अब यह है नीला। अब इसमें यह है कि जो चीजें आपको नीले रंग की नजर आ रही हैं उस पर आपने दायरा लगाना है, सर्कल करना है। जैसे कि बैग पे सर्कल हुआ हुआ है, आपने बाल्टी पे सर्कल करना है, आपने छतरी में सर्कल करना है, ठीक है। ये हो गई नीले कलर की चीजें। ये ट्राउजर है उसमें भी आपने नीले रंग का नीले कलर से सर्कल करना है। अब नीचे वाली जो तस्वीर है मछली की जो डॉल्फिन बनी हुई है उसमें जहां जहां लफ्ज नीला लिखा हुआ है ना वहां आपने ब्लू कलर करना है यानी कि नीला कलर करना है। जैसे ये वाली जो है इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, जहां जहां नीला लिखा हुआ है वहां सब आपने ब्लू कलर करना है यानी कि नीला कलर करना है। अब आप लिखेंगे बे जमा अलिफ, बे और अलिफ, यानी कि पहले बे की आप आधी शक्ल बनाएंगे फिर उसको अलिफ के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बे अलिफ बा। कैसे, अब बे की आपने जो यहाँ पर ट्रेस हुआ वह आप ट्रेस करेंगे, पहले बे की आधी शक्ल बनाएंगे फिर उसको अलिफ के साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा बे अलिफ बा। तो पहले बे की आधी शक्ल बनाई और उसके बाद अलिफ लगा दिया तो हो गया बे अलिफ बा। ऐसे ही पे है, पे की आधी शक्ल बनाएंगे आप, तीन नुक्ते लगाएंगे फिर पे अलिफ पा। ऐसे ही ते की आधी शक्ल बनाएंगे ते अलिफ ता, ते की आधी शक्ल बनाएंगे ते अलिफ टा, से की आधी शक्ल बनाएंगे से अलिफ सा। नीचे वाले हिस्से में
आपने जो पूरी हरूफ है, पूरा हर्फ है एक बे, उसको उसके अक्षर के साथ जोड़ना है। ऐसे ही आपने देखें, जैसे बे को आदि शक्ल के साथ जोड़ेंगे, पे की आदि शक्ल किधर है, पे के नीचे तीन नुक्ते हैं, ये पे की आदि शक्ल है, इसको हमने पे के साथ जोड़ना है, ठीक है। ते के, ते का हरूफ है, ते को आदि शक्ल के साथ जोड़ेंगे, समझ आ रहा है ना बेटा आप लोगों को। ऐसे टे है, टे का ये पूरा हरूफ है, उसको हम आदि शक्ल के साथ जोड़ देंगे। इसी तरह से है, से के आदि शक्ल के साथ जोड़ेंगे, जीम का खानदान आ गया, जीम चे हे फे, इसकी पहले आदि शक्ल लिखेंगे फिर उसको अलिफ के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीम अलिफ जा। चे की आदि शक्ल बनाई, अलिफ के साथ जोड़ा, चे अलिफ चा। हे की आदि शक्ल बनाई है, अलिफ के साथ जोड़ा है, हे अलिफ हा। खे की आदि शक्ल बनाई, अलिफ के साथ जोड़ दिया, खे अलिफ खा। अब कैसे लिखेंगे, पहले जीम की आदि शक्ल बनाई हमने और उसको अलिफ के साथ जोड़ दिया, जीम अलिफ जा। ऐसे चे की आदि शक्ल बनाई, चे के नीचे तीन नुक्ते, चे अलिफ चा। हे की आदि शक्ल बनाई, हे अलिफ हा। खे की आदि शक्ल बनाई, खे अलिफ खा। ठीक है बेटा, अब इसी तरह आपने पूरे हरूफ को उनकी आदि शक्ल के साथ जोड़ना है, ठीक है। इसे बे की जो ट्रेसिंग करिएगा, उसके बाद जीम की आदि शक्ल कहाँ है, जीम है ये, जीम की आदि शक्ल ये रही, जीम को जीम के साथ जोड़िए। ऐसे ही पे है, पे की आदि शक्ल के साथ जोड़िए, पे है, पे को उसकी आदि शक्ल के साथ जोड़ें, हे है, हे की आदि शक्ल ये रही, उसको आप हे के साथ जोड़िए, चे है, चे की आदि शक्ल ये रही, उसको आप आदि शक्ल के साथ जोड़िए। दाल दाल जाल का खानदान पूरा, ठीक है। आपको पता है बेटा, दाल दाल जाल रे अड़े जे जे वाओ अलिफ, ये सब नौ हरूफ क्या हैं, शरारती हरूफ हैं और एक किसी के साथ दोस्ती नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये दाल को अलिफ के साथ मिला के नहीं लिखेंगे, इनको साथ साथ लिखते हैं, जैसे दाल अलिफ दा, ऐसे ही डाल अलिफ डाल लिखेंगे पहले, फिर अलिफ डा, फिर जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, रे अलिफ, जे अलिफ जा और ये अलिफ जा। सीन है, इसको पहले आदि शक्ल बनाएंगे फिर अलिफ के साथ मिला के लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। अब सीन के तीन, पहले आदि शक्ल बनाई सीन की, फिर उसको अलिफ के साथ जोड़ दिया, सीन अलिफ सा, सीन अलिफ सा। इसी तरह शीन की पहले हमने आदि शक्ल बनाई, फिर उसको अलिफ के साथ जोड़ दिया, और कितने नुक्ते लगाए, तीन, शीन अलिफ शा। ऐसी स्वाद की पहले आदि शक्ल बनाएंगे, उसके बाद अलिफ के साथ जोड़ देंगे, स्वाद की आदि शक्ल बनाई फिर अलिफ के साथ जोड़ दिया, स्वाद अलिफ सा। उसके बाद आएगा ज्वाद, ज्वाद के साथ अलिफ को जोड़ेंगे तो ज्वाद अलिफ जा बन जाएगा, ज्वाद अलिफ जा। अब आ गए तोए, तोए और जोए, पहले तोए की आदि शक्ल बनाई हमने, तोए की आदि शक्ल नहीं होती, तोए पूरा लिखा जाता है, और तोए को लिखा फिर उसके साथ अलिफ बना दिया तो ता बन गया। ऐसी जोए की आदि शक्ल नहीं होती है, उसको आप पूरा लिखते हैं, नुक्ता लगाया और उसको अलिफ के साथ मिला दिया, क्या हो गया, जोयले जा। अब यह ऐन है, ऐन की पहले आदि शक्ल बनाएंगे, उसको आप अलिफ के साथ जोड़ देंगे, फिर गैन है, गैन की आदि शक्ल बनाई, अलिफ के साथ उसको जोड़ दिया, गैन के ऊपर एक नुक्ता आता है। ऐसी फे, फे की आदि शक्ल बनाई आपने और फिर अलिफ के साथ जोड़ दिया, फे अलिफ फा। ऐसी काफ है, काफ की पहले आपने आदि शक्ल बनाई और उसके बाद अलिफ के साथ जोड़ दिया, काफ अलिफ का। इसी तरह पहले आपने काफ की, जो डंडे वाला काफ भी कहते हैं छोटे बच्चे, और उससे किताब आते हैं, कव्वा आता है, उसके पहले आपने आदि शक्ल बनाई फिर उसको आपने अलिफ के साथ जोड़ दिया। अब इसके बाद आप है गाफ, गाफ
कि आपने आधी शक्ल बनाई, उसके बाद आपने उसको अलिफ के साथ जोड़ दिया, गाफ अलिफ गा।